ये है हाथ छोड़ना, और जितना श्रीमत में चलते हैं फील होता रहेगा कि बाबा मेरे साथ है। क्योंकि पता है कि मतलब इम्पोर्टेंट आज ये है कि खुद को कॉन्फिडेंस हो। बात वही होती है लेकिन खुद में डाउट होता है ना, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जब श्रीमत पे चलते रहते हैं मन बलवान होता है, और बलवान मन को फील होता है बलवान साथ है ऑटोमेटिक। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 23-8, मीठे बच्चे जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाए। ये कौन से स्टेट का लैंग्वेज है? पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी, छोरा राजस्थान हरियाणा बिहार, बिहार में भी बोलते हैं छोरा छोरी। अच्छा मतलब जो कुमार कुमारी है ना उसको छोरा छोरी बोलते हैं। अच्छा प्रश्न है, ऐसे कुछ जैसे है नहीं, कोई पीछे है नहीं। खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है, उनकी निशानी सुनाओ। जो खुश नसीब बच्चे हैं उनका पुरुषार्थ क्या रहता है, उनकी निशानी सुनाओ। सेवा में, श्रीमती सेवा के सेवा में और उमंग उत्साह रहता है, हर्षित मुख सेवा में रहता है। रहते हैं। हाँ ठीक है, उमंग उत्साह सेवा और निश्चिंत है। 6 है, दान, एक आया है सेवा वाला आया है। दान आप समान बनाते हैं, अटेंशन रहेगा के और खुश नसीब। शंख ध्वनि। शंख ध्वनि 2 आया है, ठीक है तो 2 ही, अब बाद में फाइंड आउट करो। गीत है भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते, भोलानाथ तो उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखूट खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिसके ये चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझते कि ये उल्टा वृक्ष है, भगवान उवाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है जिसके लिए कहा जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवद गीता। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वो तुमको याद करने ही नहीं देती। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहां रोने की दरकार ही नहीं रहती है ना। एक बार भी आंसू आएगा? अच्छा खुशी के तो आंसू आएंगे ना, खुशी के तो आंसू आएंगे। कंफ्यूज हो गए खुशी के नहीं आएंगे, स्टेबल ही रहेंगे ऑलवेज, एक्साइटमेंट नहीं होगी। वहां मतलब ऑपोजिट आंसू वाला कुछ भी दर्द नहीं वाला, होगा, तो क्योंकि दर्द वाला खुशी, नहीं कुछ होगा अगर खुशी होगी तो फिर दुख भी तो होना चाहिए ना, तो वहां पे ये खुशी ऑलवेज नहीं स्टेबल, होगी। ऑलवेज स्टेबल।
ऑलवेज उतना ही एंथुजियाज्म ऑलवेज है ना, ऑलवेज ही है ना, ये नहीं ना कि आज तुम आए तो मुझे ज्यादा खुशी हुई, तुम गए तो थोड़ा, ऑलवेज ही एंथुजियाज्म है तो ऑलवेज ही थोड़ी कोई आंसू, तो आंसू है ही नहीं रोने की दुनिया, कितना एक्यूरेट है ना। बच्चा भी स्टार्ट रोने की से क्यों स्टार्ट कराया जाता है यहाँ, स्पेशली मेडिकली मैंडेटरी है, ताकि उसको कंफर्म हो कि पूरा जीवन रोना ही रोना है इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, इससे स्टार्ट ही उसका, रोने से स्टार्ट करते। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्य को समझाने के लिए बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं, तभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर अच्छा मिलेगा, कर्मों की गति है ना। बाप कहते मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूं और समझाता हूँ। अच्छा टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, अच्छा फिर कोई अच्छे नंबर में पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, क्या कहेंगे क्या करे, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है। जो हम पढ़ते नहीं यहाँ भी ऐसे है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा होया, कॉलेज छोड़ा होया, पढ़ाई को छोड़ा गोया, बाप टीचर सदगुरु को छोड़ा, अंडरस्टूड है, उसको छोड़ा मतलब, छोड़ने से फिर छोरा बन जाते, छोड़ दिया, छोरा उनको कहा जाता है। देखो पढ़ाई के कारण हमारा बाबा के साथ अच्छा कनेक्शन होता है, उनका अनुभव है, जितना मुरली से कनेक्शन उतना बाबा से, अगर मुरली माइनस कर दो किसका है कि बाप से, फिर भी बहुत अच्छा कनेक्शन है कोई, मुरली माइनस करो, 1 घंटा मुरली क्या टाइम वेस्ट है, इतना टाइम कहाँ है, बाप से कनेक्शन होगा, पढ़ाने वाले से कनेक्शन नहीं तो पढ़ाई से भी कनेक्शन। कभी कभी जो सब्जेक्ट जो टीचर अच्छी लगती है ना, फिर वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लगता है। तो बाबा कहते हैं तो छोड़ने से छोरा बन जाते, छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, तो मात पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते। यहाँ भी कई समझते यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, लेकिन वहां ज्ञान तो उठा नहीं सकते, वहां तो नाटक बाइस्कोप घूमना फिरना अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा उस पुरानी दुनिया में, जिनकी तकदीर में नहीं है। देखो यहां से छोड़ा तो वहां तो ये सब मिलेगा ना, यहाँ थोड़ी इतना मिलेगा, जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्याल आते हैं कि वहां अच्छा मिलेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, और फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, देखो एक्सपीरियंस समझने से भी अलर्ट हो जाते हैं। तुम उस रास्ते गए, तुमने देखा वहां ये होता है, बहुत खड्डा है, बहुत बहुत कुछ वर्णन कर दिया, मुझे भी अभी जाना है, चूज करना है, तो क्या करेंगे हम, कहेंगे नहीं नहीं मैंने थोड़ी अनुभव किया, मैं भी जाके देखूं, तो फिर क्या क्या कहेंगे उसको, बदनसीब ना, मिला आपको फिर भी गए, फिर वैसे हो गया है। तो अगर नहीं भी किया है, जैसे बाबा समर्पित वालों को कह रहे हैं, वैसे एक्सपीरियंस नहीं भी किया, एक्सपीरियंस सुन तो रहे ना, पता तो है ना, तो फिर क्यों ख्याल आना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है, तुमको इस देहाभिमान को भी छोड़ना है, देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है,
बाप कहते अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्पररी इस तन में आया हूं। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चलम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, महसूस होता है? बाबा मिला ठीक है, लेकिन रोज पढ़ाई करने का मन करता है, ये बहुत खुश नसीबी है। किसका पढ़ाई करने का मन करता है? अंडरस्टूड है। ये देखो, ऑनलाइन ने किसी ने हाथ नहीं उठाया या हाथ दिखाने, पढ़ाई करने का मन करे, खुश मतलब फॉर्च्यून शुरू हो गया है ना, क्योंकि पढ़ाई तो फॉर्च्यून है। तो बाबा कहते हैं कितने खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति लिए अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। कोई कोई की ज्योति जगती नहीं है, वो भी ड्रामा में नोंद है। किसी की ज्योति ज्योत जगती भी है तो फिर कोई तो जगती नहीं है, और किसी की जगती है तो फिर माया बुझा देती है, थोड़ा बहुत जगा हुक लगा देती है। तो जिस थोड़ी सी जोत होती है ना, एक फूंक में ही काम हो जाता है उसका। तो एक थोड़ा किसी ने गुस्सा किया, बस मेरी स्थिति डाउन, सक्सेसफुल। माया की ज्योति बुझ गई, माया सक्सेसफुल। कैंडल टाइम लगता है जल्दी से। अच्छा नहीं, ज्योति फ्लेम है ना, तो कैंडल, ये बर्थडे में कैंडल ही तो होते, फास्ट बुझ जाती है ऐसा मुझे लगता है। तो फिर अच्छा है। तो ऐसी ये तीन चार परिस्थिति आई तो भी बुझी नहीं, तो भी याद रहा स्थिति, बाबा याद रहा, पॉइंट याद रहा, तो माया वीक। तो बाबा कहते हैं माया फिर बुझा देती है, वो भी ट्रामान में नींद है। चलते चलते फिर माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए पुकारते हैं। तो बाबा उन द्वारा विदेशियों द्वारा सहायता करवा रहे हैं, ये मनुष्य तो नहीं जानते। ये देखो, ये राज वही जो हम लोग लेते हैं ना बैलेंस, वहां से लोन ले रही है ना इंडिया। तो बाबा कहते बाबा उन द्वारा सहायता करवा रहे, विदेशियों द्वारा, ये मनुष्य तो नहीं जानते। ये भी ड्रामा में राज है, क्योंकि अभी कंप्लीट होना है ना ड्रामा, खत्म होना है। हाँ, तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो, अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद ही नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो यह चित्र है जिसको समझाने, तो ये चित्र है किसको समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है, जैसे मैप्स होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े कि फलाना शहर कहाँ है? मैप ही से तो क्लैरिटी होती है ना, कि है ये यहाँ, ये वो वहां। ये मैप्स वहां नहीं होंगे सत्युग में, नहीं होंगे मैप्स, नेविगेशन कैसे होगा, ये प्लेन कैसे पहुंचेगा आपके घर सत्युग एक भारतीय होगा दीदी में? पूरा, और कोई हाँ, विदेश भारत में भी, भारत में भी आप साउथ में रहते, हम नॉर्थ में रहते, फिर हम आपके पास कैसे आएंगे, क्योंकि आप एक पूरा राज्य स्वाहा का संभालेंगे। आपको रास्ता सारा पता है। कहाँ फीड करते हैं? हाँ दीदी, जीपीएस। अच्छा,
हाँ उसका मतलब वहां संकल्प शक्ति का कारोबार है ना, संकल्प शक्ति एकदम क्लियर है, जहां जाना है वो पूरा विजन आत्मा में क्लियर है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि बाबा कहते वहां मैप्स आदि तो होंगे नहीं, आई थिंक सो ये लिमिटेड होते भी, अगर मैं GK 2 में भी अगर आपका घर नहीं मुझे पता हो तो भटकेंगे ना। नहीं, और हाँ? विदेश में तो जाएंगे ही ना नाम पिकनिक से है। मनाने, बाहर भी तो जाएंगे, हाँ खाली भारत में ही तो तो नहीं मतलब रहेंगे। कहने का भाव की होगा आत्मा की, मुझे लगता है संकल्प शक्ति होगी। या तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए, तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, चाइना हो गया ना नंबर वन संख्या में, नहीं वापस हो गया इंडिया दीदी, लेटेस्ट। इंडिया नंबर वन है, इंडिया। अच्छा ओके, तो बाबा कहते फिर रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, स्वर्ग में तो थोड़े रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं, विनाश होगा तो हम बाकी सब थोड़े रहेंगे, झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबर वार और झाड़ लगते रहेंगे, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं कि हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो, सृष्टि चक्र और शंख दो बातें याद रखो, सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे, तो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं है तो उनको गीता सुनाने वाले ब्राह्मण कैसे कहेंगे, गीता सुनाने वाले भी नंबर वार होते हैं, जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उनको नशा रहेगा, कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है ही नहीं बातें, कहती इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, फिर क्या कमेंट है, पता नहीं कहाँ से लाया है ये लेटेस्ट, सब अपने मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, बस इस बाबा बना दिया। देखो आज तो फिर भी काफी क्लैरिटी है, और जो बाबा का विस्तार देखते हैं, पहले तो यही सोचते ना ऐसे कैसे, ये कोई एकदम नया ही ज्ञान है ना, आत्मा को इस तरह बनाना, परमात्मा को ऐसे बताना, परम धाम बताना, कितना उस समय कितना इस तरह के लॉजिकल कोर्सेस थोड़ी होते थे, तुम्हारी तो है ही नहीं बातें, किसको ऐसा लगा जब हम शुरू में आए तब ये वाली फीलिंग थी, ये कुछ नया ही ज्ञान है, ऐसी कोई नहीं है, डिफरेंट है, नहीं सुना, अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसी फीलिंग आई कभी, नहीं आई। हम ब्राह्मण बच्चे हैं, ये मुझे बहुत बाद में जब मैंने क्लास की तब क्लियर हुआ। नहीं, मैं ब्राह्मण बच्चों को नहीं बचा पा रही थी कि हम ब्राह्मण कैसे हैं। ब्राह्मण नहीं, वो अलग है तो ज्ञान ब्राह्मण की बात। जाति है। हाँ हाँ कौन हाथ उठा रहा है, ऐसे लगा कि ये क्या है ऐसे, अच्छा, एक जन हाथ उठा रहा है, राजू बहन को लगा ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ तो बाबा कहते तुम्हारी तो है नई बातें, कहते ना इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से आया लाया है, फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक, भगवान पतित पावन आया है, उनको आना ही जरूर है, बाप कहते मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने, तो ये तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आकर हमको 5,000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं, तुम कहते हो बाबा हम भी 5,000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था, इतने ढेर बच्चे कहते हैं, 10 लाख बच्चे प्लस मतलब कर रहे हैं, और प्लस इतनों ने अपना जीवन दे दिया है, तो कोई नहीं, ऑर्डिनरी बात तो नहीं है ना, हाँ इसमें डाल समर्पित दीजिए। जो समर्पित स्टाइल है पूरे वर्ल्ड में, कोई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यंग एज में समर्पित हो जाना,
कुमार कुमारी भाई इतने यंग है, गृहस्थी बनते हैं वो तो, प्योरिटी नहीं है, समर्पित वैसे होते हैं पर यंग में। हाँ बुद्धिज्म में होते हैं दीदी, बौद्ध कुमार कुमारी धर्म में हो इतने जाते सारे हैं। समर्पित, इतने सारे नहीं ऐसे है, और इतने सारे हो और फिर मन बुद्धि तन मन से समर्पित, रियली मन भी वैसा हो। मन बुद्धि से समर्पित इस तरह से, फिर जो आने वाले हैं वो भी वैसे हो, ऐसा है एट द मोस्ट अगर वो भी हो सकता है। तो ये जो बाबा की प्योरिटी, समर्पित भाव, सेवा की भावना, यही तो एक यूनिकनेस है ना, जो प्रूव करता है कि कोई ऑर्डिनरी वर्क नहीं है, कुछ तो दिव्यता है। तो मैं आया ही हूं पतितों को पावन बनाने, बाबा हम भी कोई से भी पूछे। तो यहाँ अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है, सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे हैं। अच्छा कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिवाबा के बच्चे तो सब भाई भाई है। अच्छा फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात ही नहीं है, एक ही कुल हो गया ना, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर ये प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सत्यु के पहले आए होंगे ना, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। मतलब सृष्टि चक्र के हिसाब से ही क्लियर होता है ना, कि अगर नई सृष्टि है कोई, जैसे हम करते हैं कि जमाना खराब हुआ है तो पहले ठीक था, ऐसे कर करके पुराने जाओ, और जब एकदम नहीं थी तो फिर एकदम अच्छी आत्माएं थी, तो आत्माएं अच्छी आई कहाँ से, ऊपर से आई, ऊपर से तो सारे ही आते, फिर सारे अभी जमाना में खराब में क्यों हो जाते। इस तरह से प्रूव करो। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण फिर देवता बनते वो जरूर पवित्र रहेंगे, जो जो पवित्र बनते हैं फिर वो अपना राज्य भाग्य लेते हैं। पवित्रता ये क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन है ना राज्य लेने की। शिव बाबा तो साहूकार प्रजा पवित्रता की क्वालिफिकेशन चाहिए, साहूकार प्रजा की, साहूकार प्रजा के लिए भी है प्रजा क्वालिटी में, ठीक है टाइम है तो जरूर ये प्रजा है ना। जो जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5,000 वर्ष पहले, फिर भी पहले भी संगम पे थे, अब भी है हम, फिर हम देवता बनेंगे। सत्युग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते नहीं, सत्युग में अथवा कलयुग में किसमें होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन बनते हैं, यह पवित्र रहने की युक्ति है। एक बार एक युगल आया बाबा के पास साकार में, शादी हुई थी और नई नई शादी, और बाबा के पास आया, बाबा ने उनको फिर 2 दिन रहे, जाते जाते बाबा लक्ष्मी नारायण की फोटो दी, सौगात दी। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुमको अगर ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है ना तो पवित्र बनो। फिर बाबा और सीरियस थोड़ा शक्तिशाली हो गए, बच्चे तुमको ब्रह्मा तन में आयो हे भगवान बोल रहे हैं, तुमको नशा होना चाहिए। और फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि बच्चे तुमने ब्रह्मा तन में आए हुए भगवान को पहचाना अर्थात पवित्र बनेंगे। बस लग गया तीर।
आज तक बॉम्बे में है वो युगल, शुरू से लेकर अभी तक पवित्र। तो बाबा कहते हैं ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी या भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वो तो विश्व का राज्य ले न सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा, विनाश सामने खड़ा है। तो जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, देखो विनाश सामने खड़ा है, एकदम जाने ही वाला है। तो जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं क्या होगा? अच्छे सर्विसेबल बच्चे कौन कौन है क्या होगा? उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। क्या विनाश सामने खड़ा है, अच्छे सर्विसेबल बच्चे की बुद्धि में ठहरता है। क्या दान करना है? दान ही नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास मेहनत करते हैं। तो मिलेगा भी ऐसे, एक है स्वयं पर भी मेहनत, एक है दूसरों पर भी मेहनत करो। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, अब इतनी कहाँ से लाएंगे? उन दिनों तो शॉर्टेज होती थी ना बहनों की। ये भी शिव बाबा जानते कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्ची है अच्छी सर्विस करती है। ये जब ये हुआ था ना विदेश, न्यूयॉर्क, पहले गयाना में थे ना वो, मोहिनी बहन जयंती बहन दोनों अंकल आंटी के वहां घर में रहते थे, 3 महीने रहे थे गयाना। दादी को बुलाया वहां, प्रकाशमणि दादी और दीदी, तो दादी पास हो रहे थे फ्रॉम गयाना टू इंडिया। और उस समय ब्लैकआउट होता है ना वहां न्यूयॉर्क सिटी में, तो ब्लैकआउट हुआ, टाइम लगाना वहां से वहां तक। दादी ने कहा ये क्या है नीचे? बोला ये ऐसे अमेरिका है और ऐसी ऐसी सिटी। बोला तुम वहां क्या बैठी कर रही हो, इतनी बड़ी, इतना बड़ा देश है, यहाँ क्यों नहीं करते? बस दादी ने संग वहां जाते ही फोन किया कि तुम वहां जाओ। और फिर वहां पहले टोरंटो न्यूयॉर्क में अंकल की अंकल आंटी वो ये डॉटर थी, वो यूनाइटेड नेशंस में थी, तो न्यूयॉर्क सिटी से वहां से फिर छोटा सा अपार्टमेंट लिया, फिर टोरंटो गए। ऐसे करके सेवा, प्रकाशमणि दादी के संकल्प से जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं तो यह भी शिव बाबा जानते फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते। बहुत बच्चिया अच्छी सर्विस करती है। ब्राह्मणों, लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है, बाबा थोड़ा हर छोटी छोटी चीजें बता रहे, बच्चों में भी कोई कोई है। क्या है? अच्छा भोजन न मिले तो आराम ही ना आए, अपने अपने टेस्ट का भोजन। बाबा न मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। अच्छा फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई तो धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं। सुना, मुझे कुछ परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, मतलब कर्मों की कोई सीरियसनेस नहीं है। वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर ही नहीं चलते। अच्छा फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं, अत्याचार भी अहो सौभाग्य। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, अगर अत्याचार होते भी तो बाप से तो वर्षा लेंगे ना। बहुतों तो पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विश्व बिगड़ रह नहीं सकते। तो यह है ही दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो ही नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई अमर लोक में। अब सूक्ष्म वतन में तो
वैसे कथा सुनाने का फायदा क्या होगा वहां पार्वती को, नॉलेज देना या उसकी गति करना? कथा के रीजन तो क्या होता है, गति होनी चाहिए ना उस आत्मा की। अब सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो गति तो हुई पड़ी है। तो बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म अमर लोक में तो इसमें सदगति हो नहीं सकती। दिखाते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में कथा सुनने की दरकार ही नहीं है वहां, तो ये कथाएं आदि कहां से आई? अमर कथा सुनाई। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन से कहां गए कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए, और सुनाते सुनते 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 नींद भी आ गई उसको। ये भी एक क्लियर है। तो फिर दूसरे ने सुना, उसको नींद आ गई, उसका भाग्य। कबूतर सुना ना, तो वो अमर हो गया। तो बाबा कहते हैं तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत है, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। अच्छा, दशहरे में बाबा कहते हैं तो यहां से, हाँ, तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोचरे में है। सॉरी, हाँ, तो दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। क्योंकि मतलब वैसे देखा जाए तो मनुष्य को कैसे वो सहायता कर पाएंगे, तो सेंसिबल मनुष्य समझेंगे ना ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं समझते। कितना अच्छा राज है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन राज है। राम को कौन सहायता करते, बंदर करते हैं कौन से? नहीं वो ठीक है, पर वो लोग दीदी भाषा भी उनको हिंदी बोलते हुए दिखा देते हैं, भालू रीछ बंदर, वो लोग वो की तो अपनी फिर लैंग्वेज भी नहीं है, वो भी सही है। सोचने की बात है। हाँ, वो तो मतलब हर चीज उन्होंने ऐसे ही बता दिया ना, जैसे मनुष्य के लिए बोलता भी है तो ना बंदर सब कुछ। हनुमान जी बातचीत कर रहे हैं और सब जामवंत सुग्रीव बालू बाली आदि सबका ही बताया है। तो उसका राज राइट है, क्या है? हम हम सब बंदर, बंदर जैसे हम हैं, हम बंदर। विकारों में हैं तो बंदर हैं। बाबा आकर हम बंदर बुद्धि को मंदिर लायक बनाते हैं। तो बंदर बुद्धि वालों को समझाते हैं ना, इस हमारे ही तो सहायता लेके कर रहे बाबा, तो कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन नेशन से लड़ते रहते हैं, एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते ये भी ड्रामा की भाभी है, ड्रामा का मालूम पड़ा है तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। बाबा ने आकर सब राज समझाए। सचमुच ये वाला जो राज है ना, इसको अगर हम किसी भी इवन पब्लिक प्रोग्राम में भी करते हैं, कंपनीज में भी करते हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है ड्रामा का राज, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं वर्ल्ड की पूरी थियरी, और इतना एक्यूरेटली कनेक्टिव आज के पर करंट परिस्थिति से कनेक्ट करते हुए। तो बाबा कहते हैं तो ये ड्रामा का राज कोई की बुद्धि में है ही नहीं, बाबा ने आकर समझाया है। पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है, बलिहारी उनकी है, पूरा पिक्चर जानने से क्या फायदा होता है? आपको पूरा पिक्चर पता है तो क्या क्या होगा? दूसरा तुम्हारे बाजू में, उसको कुछ भी नहीं पता, वो देख रहा है,
उसको तो खाली ये पता जो दिखाई दे दिखाया जा रहा है या जो हो चुका है, तुमको सारा पता है, क्या फायदा होगा, आपको क्या पता है फायदा तो होगा। आप हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, स्टेबल कोई क्वेश्चन ही नहीं बाबा कह है। रहे हैं। तो ये ड्रामा बाबा ने आकर सब राज समझा है, पढ़ाने वाला पति पावन व बाप है, बलिहारी उनकी है, माया नीच बनाती है, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते। कहते बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां है ही संपूर्ण विकारी निर्विकारी, यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया तो एक ही है ना, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं, दो चार वर्ल्ड नहीं है ना, यही सोल्स है। सबसे बड़ा ड्रामा का क्लैरिटी कि यही सोल्स है और यही दुनिया है, जो भी चेंजेस होने वो यही है, यही होने, मतलब और कहीं जगह दुनिया भी नहीं है, स्वर्ग ऊपर नरक फिर वो लोग अलग। तो वैसे भी हम लोगों को क्या कमेंट मिलता है आप लोगों, भाई आप तुम इस दुनिया के नहीं हो, या समटाइम्स हम ये भी लोग बोल देते नॉट फिटेड टू दिस सिस्टम, ऐसा तो मिला ही होगा ना सबको कमेंट कि नहीं मिला, मिला नहीं, मिलना चाहिए, ये क्रेडिट स्कोरिंग है, ये अगर मिला है किसको मिला है, नॉट फिटेड टू माई सिस्टम को मिला है ना। हाँ आउटडेटेड ओल्ड डेटेड ठीक है, ये सब हमारे लिए मार्क्स, फुल मार्क्स, जितना बोलेंगे ओल्ड आउटडेटेड फुल मार्क्स, जितना बोलेंगे ये सिस्टम में फिट नहीं है फुल मार्क्स। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी, पहले भारत स्वर्ग था अब नर्क है। ये चित्र बड़े वैल्यूबल है, विलायत में भी कोई को समझा कर दो तो कहेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है, कैसे स्थापना हुई तो सेवाओं की, ऐसे ही होते थे चित्र दिया। तो टोरंटो में जब वो स्टार्ट हुआ था, 3 महीने बेसमेंट में रहे थे मोहिनी बहन, 3 महीने किसी के घर में, गृहस्थी के घर, वो जानते थे इंडिया में, तो उनको यहाँ मतलब बताना है, तो वहां 3 महीने और वही एग्जीबिशन आदि करते थे। बेसमेंट में रहना इजी नहीं है, तो बाबा कहते विलायत में भी कोई को समझा कर दो तो कहेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है, कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डिनाइस्टी चलती है, सबके चित्र इनमें है, कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ आगे चल एक दो से सब सुनेंगे कि ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में बाबा को देखो कब से ख्याल चल रहा है, कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। जब ये गयाना से आए थे तो मोहिनी बहन फिर दादी को बोला मधुबन आए ना, बहुत दूर है गयाना, तो बहुत दूर है ना अमेरिका से भी बहुत आगे, हमारी आजकल किन्नरी वैनवा रहती है, सुना ना आप लोगों ने, पूरा संभालती है गयाना कंट्री को। तो बोला बहुत दूर है तो मैं नहीं जा सकती अभी, बोला ठीक है, वॉक कर रहे थे तो ठीक है, आप नहीं, आप क्या किसको समझती हो कि वो जाए वहां, बोला बताती हूँ, क्योंकि उनको पता है वहां का। तो अब दादी कैसे बोले, क्योंकि जाने का दिल तो है नहीं, बोलेंगे नहीं जाना पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद में दादी ने बोला दादी मुझे लगता है मुझे ही जाना है। तो विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सके, कितने निकले। अंजनी बहन गयाना की है, मिले हो ना आप लोग सब, गयाना बहुत सारे बारिश क्वालिटी निकली है बहने, अच्छा
मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी की, बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की, की रूहानी रूहानी बाप दादा बाप को पिता गुड बाप मॉर्निंग दादा बाप, को नमस्ते निकास गुड प्यार। मॉर्निंग शुक्रिया बाप, बाबा, बाबा थैंक यू प्यारा बाबा 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 थैंक यू बाबा 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 आंसर बाबा। मिला। शंख हो गया कुल सारा रात दिन देही सेवा में। हाँ दे एक और अभिमान, था बहुत अच्छे, दे अभिमान, नशे में दे अभिमानी, तीन हो गए। शंख हो गया, दे अभिमानी सेवा, और कोई दान चार, और एक था। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबा ने धर्मराज बोला था, के विषय में बताता हूँ। धर्मराज से भी केयर नहीं छोरा छोरी, वो तो खुश नसीब बच्चे की क्या निशानी। धर्मराज से उनसे शिव शक्ति दीदी, डोंट शिव केयर नहीं शक्ति। करते, डरते अच्छा हैं। ये अच्छा, तो जो खुश नसीब बच्चे हैं वो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वह शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करे। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। फील होता है कि ये मैंने इसको दुख दिया, मैंने इसको ऐसा किया, या मैंने ऐसे संकल्प किया, ये धर्मराज को केयर करना है। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती। अच्छा वरदान है, धारणा के लिए सार है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। दूसरा है, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। सभी ने अनुभव किया है, किया होगा ना, सुनाने से धारणाओं में फर्क होता है, बहुत पक्का हो जाता है, तो इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। डोंट केयर के थॉट्स क्या होंगे, ठीक है बोल ऐसे ही है, कोई जरूरी नहीं, वन बोलते रहते हैं, बोलते रहते, ये भी एक डोंट केयर, बाबा तो बोलता रहता है। तीसरा, कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट केयर, लाइटली ले लेना बाबा की श्रीमत को, आज्ञाओं को, वो डोंट केयर करना होता। तो इसलिए देखो मुरली में बाबा ने जैसे कहा ना, धर्मराज की डोंट केयर, बाप की डोंट केयर की, मतलब धर्मराज की डोंट केयर की। अच्छा वरदान है, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले, अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले, अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई।
अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। कोई भी तरह का विघ्न आया तो सेवा खंडित। अगर थोड़ा भी संकल्प चलता रहता है, सेवा भी होती रहती है, विघ्न ही है ना, सेवा खंडित हो गई। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र है। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र है। दिमाग से ऑनेस्ट कैसे होते हैं? दिल से तो ऑनेस्ट होते हैं, दिमाग से ऑनेस्ट। दिमाग तो जो है वो तो है ही ना। सोचा, सोचो इस दिमाग से ऑनेस्ट कैसे कर, क्योंकि दिमाग तो इंटेलिजेंट भी होगा, बुद्धि में इंफॉर्मेशन भी है। दिल से तो हो सकते हैं। दिव्य बुद्धि से हाँ, वो भी है। मतलब दिव्य बुद्धि यूज करते हैं, ओनली ओनली ये साधारण बुद्धि नहीं यूज करते। हाँ, सब बुद्धि का काम है रीजनिंग, जस्टिफिकेशन, ये सब बुद्धि। नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, नहीं, ये तो नहीं है, ये सब बुद्धि को यूज करना। अच्छा, 23, देखो ज्वालामुखी मंथ एंड हो रहा है। योग में सदा लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न, इसका बहुत अच्छा समझेंगे। लाइट और माइट, ज्वालामुखी अर्थात दोनों, लाइट भी और माइट हाउस भी, माइट का हाउस। ओके जी।